हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने आपका राजेंद्र कामत हाजिर हूं। और आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, ये डेडिकेटेड है स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही ऐसे मेरे भाइयों, मित्रों और परीक्षार्थियों के लिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो मैथ्स के रियल नंबर पर बेस्ड है, और टोटल 20 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने इसमें बताया है, बट ये चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे मैं वीडियोस में सारे एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। बट अगर फिर भी किन्हीं को अगर इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा आप करते हैं तो इससे मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, और मैं इस तरह के वीडियो आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जो रियल नंबर बेस्ड है। और साथ ही मैं क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को स्पेशली देख रहे हैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने मार्क्स को, आपने कितना स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर मैथ का क्वेश्चन अपीयर होगा, साथ ही उसके चार ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही है। आपको मैंने 15 सेकंड का टाइम इसमें तय किया हुआ है। 15 सेकंड के अंदर आप उसको कोशिश करें कि आप उसको बना पाएँ, और अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो बाद में अब उस वीडियो को रिवाइज करके देखें और इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें बनाने का घर में, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेसिबल एज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और आपके ऑप्शन हैं इस तरह से। पहला ऑप्शन है 1351 अपॉन 1250, सेकंड ऑप्शन है 3219 अपॉन 1800, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने 2017 अपॉन 250। चलिए ऑप्शन सिर्फ तीन दिया गया है क्योंकि जो चौथा ऑप्शन था वो मैंने हटा दिया है। आज मैंने आपके लिए इस वीडियो में टाइमर लगा दिया है, तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। टाइमर ख़त्म होने के साथ ही आंसर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आंसर को सोचें, ट्राई करें। और ये टाइम ओवर हो चुका है। अब आप स्क्रीन पर आप देखें, जो सेकंड ऑप्शन था 3219 अपॉन 1800, ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अगर किन्हीं ने सॉल्व किन्हीं को सॉल्व करने में परेशानी हुई है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हमें दिया गया है और हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो प्यारे व्यूवर्स, प्यारे बच्चों, इसका बहुत ही आसान तरीका है। इसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हैं आप उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप देखिए कि जो प्राइम फैक्टर है वो या तो 2 या 5 या 2 और 5 ही आने चाहिए। अगर 2 और 5 को छोड़कर इसका प्राइम फैक्टर अगर कोई और भी नंबर आ जाए तो फिर ये जो फ्रैक्शन है
ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर ये 2 या 5 इसका प्राइम फैक्टर आता है तो फिर ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। पहला जो क्वेश्चन था बच्चों, उसके डिनोमिनेटर में जो टोटल दिया गया था वो था 1250। अगर आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 और 5 ही फैक्टर्स के रूप में आएंगे। जो आपके सामने थर्ड है 250 इसके डिनोमिनेटर में है, इसका जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसमें भी 2 और 5 ही केवल आएगा, अर्थात ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। अब ये जो थर्ड ऑप्शन था जिसके नीचे 1800 है, तो इसका जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप उसे कॉपी में सॉल्व करके देखें, सीखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में ये रहा। स्क्रीन पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें बच्चों, मैं इसलिए बोल के पढ़ रहा हूँ कि ताकि आपको समय थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। इफ़ ए इक्वल्स टू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू 5 to the power 4 एंड बी इक्वल्स टू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5, देन एच सी एफ ए बी इक्वल्स टू व्हाट। आपके ऑप्शन हैं इस तरह से, फर्स्ट ऑप्शन 90, सेकेंड ऑप्शन 180, थर्ड ऑप्शन 360, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज़ ओवर, और करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा 180। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा होगा। अभी क्लास 10 में आप यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम जलेमा को स्टडी किया होगा आपने, और उसमें एचसीएफ निकालने के जो तरीके हैं वो आपको बताए गए हैं। आप यहाँ पे प्यारे बच्चों ये देखो कि ए का जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ठीक है, उसमें 2 का मिनिमम पावर कितना है। तो अगर आप दोनों ए और बी में देखो तो इसका जो मिनिमम पावर है वो 2 का स्क्वायर है, 3 का मिनिमम पावर 3 का स्क्वायर है, और 5 का मिनिमम 5 है। तो आप यहाँ पर क्या करें कि 2 का स्क्वायर को ले लें, 3 का स्क्वायर को ले लें, और फिर 5 को ले लें, सारे को मल्टीप्लाई करें, यही आपका एस सी एफ देगा। और इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 180। ठीक है बच्चों, आप इसे कॉपी में दोबारा करके देखें अगर आप नहीं कर पाए हैं तो। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। एस सी एफ ऑफ 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 एंड 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5 to the power 3 इंटू 7 इज। आपके ऑप्शंस हैं 30, 48, 60, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
एंड टाइम इज़ ओवर नाउ, सीधा आंसर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, 60 इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। यहाँ पर तीन आपको नंबर दिए गए हैं, उसका प्राइम फैक्टर दिया गया है और आपको एचसीएफ फाइंड करना था। मैंने आपको अभी जस्ट बताया तीनों नंबर में जो जो भी प्राइम नंबर्स आए हुए हैं उसका मिनिमम पावर वाले नंबर्स को आप ले लें, से मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर मिल जाएगा। आप अगर तीनों नंबर को देखें तो फर्स्ट वाले में 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, सेकंड में 2 का मैक्सिमम पावर 2 है और थर्ड में 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, यानी इसमें जो मिनिमम है वो 2 का स्क्वायर है, तो आप 2 का स्क्वायर को ले लें। फिर 3 का पावर देखें, फर्स्ट वाले में 2 है, सेकंड में 3 है और थर्ड में 1 है, यानी मिनिमम पावर यहाँ पर 3 का 1 है, तो केवल 3 को ले लें। 5 का मिनिमम पावर आप इस तरह से देखेंगे 1 है, तो वह 5 को ले लें और 7 का मिनिमम पावर 1 है, तो आप 7 को ले लें। और इस तरह से जब आप सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो आंसर मिलेगा वो होगा 60। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, एलसीएम ऑफ 2^3 × 3 × 5 एंड 2^4 × 5 × 7 इज, ऑप्शंस ये रहे 560, 1120, 1680 और आपका टाइम शुरू होता है अब। And your time is over now. And see the correct answer. यहाँ पे आप देख रहे होंगे करेक्ट आंसर है 1680. LCM, lowest common multiple. यारे बच्चों, जब आप LCM निकालने की बात करते हैं, जब HCF हम निकालते हैं तो उसमें जो भी प्राइम नंबर है उसके मिनिमम जो पावर्स होते हैं उसको लेते हैं, लेकिन LCM में इसके मैक्सिमम पावर को लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप दोनों जो नंबर आप उसमें देखें तो 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है। इन सारे को लेकर जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है 1680। इस तरह से हम दो दिए गए नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए मैंने ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टर फॉर्म में ये नंबर दे रखा है, यानी अगर इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे सारे प्राइम फैक्टर को तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें फर्स्ट वाला जो है वो 2 का पावर 3 है, इसका मतलब 8 हुआ। ठीक है, फिर 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 होता है, फिर 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120, यानी कहने का मतलब 120 नहीं लिख कर इसको प्राइम फैक्टर रूप में दिया गया था, इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ वन नंबर इज 54, फाइंड अदर। और ऑप्शंस ये रहे 36, 45, 81 एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ।
एंड योर टाइम ओवर नाउ, सीधा आंसर। आप यहाँ देखिए 81 ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 81 था। उम्मीद है कि आप 81 आप लोगों ने भी निकाला होगा, अपने मार्क्स को आप नोट भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ। यहाँ पर दो नंबर, द एस सी एफ ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का एस सी एफ आपको दे रखा है 27 और उनका एल सी एम दे रखा है 162। अब उस दोनों में से एक नंबर ऑलरेडी हमको पता है 54, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, व्यूअर्स, यहाँ पर एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूला है एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और यहाँ पर जो हमको एक नंबर पता है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए जो फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला होगा इस तरह से, एस सी एफ इंटू एल सी एम अपॉन फर्स्ट नंबर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको सेकेंड नंबर जो है वो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप यहाँ पर अगर देखें इसको प्यारे बच्चों, ये फार्मूला मैंने बताया है यहाँ पर कि ये फार्मूला है एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड देयर एस सी एफ इज 5, द एल सी एम ऑफ द नंबर इज, और आपके ऑप्शन ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन 8000, सेकेंड ऑप्शन 320, थर्ड ऑप्शन 1605, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है, अब आप इसका आंसर देखें। अब आपके स्क्रीन पर 320 ग्रीन हो चुका है। प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उस फार्मूला का ही इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना था। बहुत सारे लोगों ने इसे फाइंड कर लिया होगा, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप इसको फिर से फाइंड करके देख लें, वीडियो पॉज करने के बाद अपने आंसर को टैली करें। और चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड इच वन ऑफ द 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। और आपके ऑप्शन हैं इस तरह से, पहला ऑप्शन 64, दूसरा 128, तीसरा 256। और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय समाप्त हो गया। चलिए आंसर देखें, सही आंसर है 128। प्यारे बच्चों, अगर कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी नंबर दिए गए हैं आपको उसका एच सी एफ फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो जब आप यहाँ पर 1152 और 1664 का एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे तो आपको
जो नंबर मिलेगा वो 128 होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का 128 सही जवाब था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, और आपके ऑप्शंस हैं 13, 3, 9, और आपका समय शुरू होता है अब। और समय समाप्त। चलिए आंसर देखते हैं, और इसका सही जवाब है 13। प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया था कि 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान मेथड है बच्चों। आपको यहाँ क्या करना था, 70 से पहले 5 माइनस करना था तो बचता है 65, और 125 से 8 माइनस कर दें तो बचेगा 117। इसके बाद 65 और 117 दोनों का आप निकाल लें HCF, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है, और इस तरह से आप अपना आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये आंसर निकाल लिया था उन्हें बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो नहीं निकाल पाए थे, उम्मीद करता हूँ कि उनको समझ में आया होगा कि इसे कैसे करना है, उसे आप बाद में भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। चलिए तब तक मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यारे बच्चों, अभी जस्ट मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक आपको बताया है, ठीक उसी ट्रिक का इस्तेमाल करें और इसे आप सॉल्व कर लेंगे। आपके ऑप्शंस हैं इस तरह से 15, 16, 9, और आपका समय शुरू होता है अब। एंड योर टाइम इज़ ओवर नाउ, सीधा आंसर। अभी आप देख रहेंगे स्क्रीन पर 16 ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब इसका सही जवाब 16 है। अभी बच्चों, मैंने आपको समझाया था इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो दो नंबर हैं वो 245 और 1029 है, और दोनों रिमाइंडर 5, यहाँ पर दोनों के साथ रिमाइंडर 5 है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 245 में से पहले 5 माइनस करने, बचेगा 240, 1029 से 5 माइनस करने, बच जाएगा 1024, और फिर दोनों का आप HCF निकाल लें और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर 16 आएगा। चलिए, बहुत सारे लोगों ने जरूर आंसर फाइंड कर लिया होगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 अपॉन 1168, आपके ऑप्शंस हैं 17/26, 15/16, 25/26, और आपका समय शुरू होता है अब। Thank you.
और आपका समय समाप्त। चलिए आंसर देखें। सही जवाब है 15/16। सी बच्चों, द सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो फ्रैक्शन आपके को दिया गया है, सबसे पहले आप ये देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस से हम डिवाइड करके इसके मिनिमम जो फॉर्म है उसमें ला सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 15/16। बहुत सारे लोगों ने इसे फाइंड आउट कर लिया होगा, जिन्होंने भी इसको फाइंड आउट कर लिया है वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और जिन बच्चों ने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए हैं तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं डिवाइड करके, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। चलिए तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। पाई एस आपके ऑप्शंस हैं एन इंटीजर, ए रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय समाप्त हो गया। चलिए आंसर देखें। सही जवाब है एन इरेशनल नंबर। यार बच्चों, पाई का जनरली जब आप वैल्यू देते हैं तो आप 22/7 लेते हैं, लेकिन जब इसे हम 7 से 22 को डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो आपको नंबर मिलेगा ये नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग नंबर मिलेगा। और चूँकि जब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग है, इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 13। आपके ऑप्शंस हैं 1, 3, 5, और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय समाप्त। चलिए सही जवाब देखें। सही जवाब है इसका 5। 5 इसका करेक्ट आंसर है। बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो जिन लोगों ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिन लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किए बट सॉल्व नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं एक हिंट दे दूँ कि ऐसा क्वेश्चन बच्चों जब भी आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में हमने ये पढ़ा है कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यानी कि जब डिवीजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, तो ये डिविडेंड के इक्वल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते थे कि मान लो कि वो जो नंबर है, ठीक है, जिसको कि 143 से डिवाइड किया गया है, वो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर और जब उसको डिवाइड किया गया तो उसका रिमाइंडर जो है वो 31 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर 143 को
हम एक्स से मल्टीप्लाई करके उसमें 31 जोड़ दें तो वो मेरा नंबर निकल जाएगा, ठीक है। और यही काम जब हम उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा। तो दोनों केस में आप इस तरह से इसको निकाल लें और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके उसको फाइंड आउट करें, सॉल्व करें, तो वहाँ पर जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इसे बना कर देखें, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को डालें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, 2.13113 11131113 11113... आपके ऑप्शंस हैं एन इंटीजर, रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, और आपका समय शुरू होता है अब। और समय समाप्त। चलिए आंसर देखें, सही जवाब है एन इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है ये नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का है, तो चूंकि ये इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है इसलिए ये जो नंबर दिया गया है यह एक इरेशनल नंबर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, द नंबर 1.732 is, आपके ऑप्शंस हैं एन इंटीजर, रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय समाप्त होता है। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर आप देख रहे हैं ए रेशनल नंबर इसका सही जवाब है। आप यहाँ देखें 1.732 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है इसलिए प्यारे बच्चों ये एक रेशनल नंबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्क्रीन पर ये रहा, रूट टू इस, आपके ऑप्शन हैं एन इंटीजर, इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका समय समाप्त। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है एन इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, आपने ये कई बार पढ़ा भी होगा, इसे प्रूफ भी किया होगा कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप रूट टू का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 1.414... ये नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का मिलेगा, इसका मतलब रूट टू एक इरेशनल नंबर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, 1/√3 इज,
फ्रैक्शन एन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, और आपका समय शुरू होता है। आप और समय समाप्त। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है एन इरेशनल नंबर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों ने इसका सही जवाब सोचा होगा और अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। आपके ऑप्शन हैं 2520, 1620, 1820 और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आंसर देखें और इसका सही जवाब है 2520। इसका सही जवाब होगा। यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ बच्चों ने तो ज़रूर से बना लिया होगा, कुछ लोगों ने ज़रूर बना लिया होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे इसको नहीं बना पाए होंगे तो मैं उनको हिंट कर दूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ बच्चों 1 से 10 के बीच में ऐसे सारे जो नंबर हैं, तो उनमें से लिस्ट नंबर ढूंढना था जो कि वो 1 से 10 के बीच में सारे नंबर से वो डिवाइड हो जाते हैं, वैसा हमको लिस्ट नंबर ढूंढना है। तो इसको आप निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मेरे जो भी व्यूवर्स आप देख रहे हैं, 1 से 10 के बीच में जो भी नंबर हैं आप उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 है तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, फिर 5 हो गया, 6 को 2 into 3, फिर 7 हो गया, 8 को 2 into 2 into 2, और उसके बाद 9 है उसको 3 into 3 लिख सकते हैं, और 10 है उसको 2 into 5 लिख सकते हैं। अब आप इसमें चूंकि लिस्ट नंबर की बात हो रही है तो आप हर एक जो प्राइम नंबर है उसका जो मैक्सिमम फैक्टर है आप उसको ले लें, सारे को मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा और ये आंसर होगा 2520। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और आपके ऑप्शंस हैं 32/91, 23/45, 19/80, और आपका समय शुरू होता है अब। और समय समाप्त। चलिए आंसर देखिए स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं 19/80 ग्रीन हो चुका है। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें से जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होगा। तो आप इसमें ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं उसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हैं आप उसका प्राइम फैक्टर निकालो, जिनके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 फैक्टर के रूप में आएंगे
वही डेसिमल एक्सपेंशन होता है, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, बाकी के नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ जो 32/91 है और 23/45 है, अब इसके डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी दूसरा नंबर आपको मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 ही आएंगे, इसलिए 19/80 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑन डिवाइडिंग अ पॉजिटिव इंटीजर एन बाई 9 वी गेट 7 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 3n-1 इज डिवाइडेड बाई 9। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये भी यूक्लिड्स लेमा की मदद से ही बन सकता है। चलिए आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर इस तरह से, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त, और इसका सही आंसर है 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको यूक्लिड्स लेमा का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन था कि वन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर एन बाई 9 वी गेट 7 एज रिमाइंडर। ठीक है, यानी अगर हम एन को 9 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 7 मिलता है, यानी जो मेरा नंबर होगा वो नंबर क्या होगा बच्चों? तो नंबर निकालने का जो फार्मूला मैंने आपको बताया है कि डिविजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और फिर उसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 3n-1 इज डिवाइडेड बाय 9। अगर हम 3-1 को 9 से डिवाइड कर दें तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? तो यूक्लिड्स डिविजन लेमा का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। समय के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, फिर भी जो जीनियस होंगे, जो जिनको लग रहा है कि मैं 95+ स्कोर करता हूं या करूंगा, तो उन बच्चों ने इसे ज़रूर अटेम्प्ट कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इससे कोशिश करें जैसा मैंने आपको बताया है। इसके बाद भी अगर आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डालें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एग्जामिन वेदर 17/30 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपके ऑप्शन है यस, नो, बोथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार बच्चों, और आपका समय शुरू होता है अब। और समय समाप्त हो गया, चलिए मैं इसका जवाब आपको दिखा दूं। आप यहाँ पे देखें, और यहाँ पर सही जो जवाब है वह है नो। आपको बताना था कि 17/30 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इस नंबर का जो डिनोमिनेटर वो 30 है
और आप अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी नंबर आएगा, वो 3 होगा। इस वजह से ये जो फ्रैक्शन है 17/30, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसका सही जवाब था 9। और आज का ये अंतिम प्रश्न था और उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी चैलेंजिंग लगा होगा आप लोगों को। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सारे क्वेश्चंस को बना तो सकते हैं, बट टाइम चूंकि थोड़ा इतना कम था कि वो थोड़ा नर्वस हो गए होंगे या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, क्विज में ऐसा ही होता है, समय काफ़ी कम होता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है, तो आप टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सीखें और कम समय में कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इसका प्रैक्टिस करें। तो इसी शुभकामना के साथ आज इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और जल्द ही फिर मैं किसी दूसरे टॉपिक पे जो मैथमेटिक्स का होगा जल्द ही एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसको देख कर आपको काफ़ी खुशी होगी, काफ़ी मज़ा भी आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जहाँ तक मेरी ओर से आपको मदद करने की बात है, तो प्यारे बच्चों, प्यारे व्यूअर्स, आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डालें, मैं अपना नंबर डाल दें, मैं आपको आपके नंबर पे उस क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सअप भी कर दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।